चलो खास मेहमान अब आएगा मजा ये बहुत गलत बात है देखो अगर तुम्हें इसे झूला झुलाना है जोर 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 से झुलाओ हार यस सर ताकि ये जोर जोर से चीखे और हमें बहुत मजा आए भूल गए मैंने तुम्हें क्या सिखाया है अपने से छोटों को हमेशा सताया करो अरे पिद्दी इतनी भी क्या जल्दी है पिद्दी जरा रुक पुराना हिसाब चुकता कर और फिर तुझे जा जाना है ना चले जाना पता नहीं ये दैतिया ने हुबा उस हिरण को लेकर कहाँ चली गई अब शायद महामहिम हुबा उसे बचा सकता है हेलो मानव जी अरे मानव जी क्या अभी बराबर बैठता मानव जी के नीचे बैठ पैर दबा ठीक से हाँ सर हाँ अब मानव जी कहाँ थे आप हम आपको कब से ढूंढ रहे थे यहाँ वहाँ कहाँ थे वैसे मानव जी आपने इतनी मस्त बॉडी कैसे बनाई कोई जिम ज्वाइन किया क्या आपको स्पेशल प्रोटीन शेक वगैरह लेने लगे हो क्या हमें बताओ ना अपनी तंदुरुस्ती का राज उसको बोला कान में बताएंगे स्पेशल जाओ ये मानव मोंटू रोहित केवल के साथ क्या कर रहा है जरूर मानव मोंटू रोहित केवल का अच्छा दोस्त बन गया होगा नहीं मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता मानव बुरे बच्चों का दोस्त नहीं बन सकता चलो एक फोटो खींचो एकदम मस्त वाली मानव घर चल ए, इतना नहीं है मानव जी मेरे साथ फोटो खींचा दे ए, चुप बैठ मानव घर चल मुझे नहीं आना तू जा यहाँ से देख मानव मैं कह रही हूँ ना मेरे साथ घर चल वरना पीट दूंगी मानव ये क्या कर रहे हो तुम ये सही नहीं है अच्छा तो तुझे भी समझाना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है रुक मानव तू पागल हो गया है क्या हाँ मैं पागल हो गया हूँ और इसलिए तू मुझे अकेला छोड़ दे और तू क्या मैं यहाँ से चला जाता हूँ चलो मोंटू रोहित केवल कुछ तो गड़बड़ है मानव बदला बदला सा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे
वो मेरा भाई नहीं कोई और है। मोटा भाई के बॉस को सिर्फ हम एसी की हवा खिलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे। नहीं 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 रॉकी भैया, खाना भी खिलाएंगे और एसी की ठंडी ठंडी हवा भी खिलाएंगे, जिससे वो खुश होकर महेश को प्रमोशन दे देंगे। मेरे बॉस वैसे तो मुझसे और मेरे काम से खुशी होते हैं, लेकिन आज एसी की ठंडी हवा खा के और ज्यादा खुश होंगे और खुशी खुशी उन्हें जो देना होगा वो देंगे। लो आ गई खुशी। अरे मतलब खुशी देने वाले बॉस आ गए। बहू, अगर तुम चाहो तो मैं यहां से तुम्हें जाने दे सकती हूँ, जिंदा वापस भेज सकती हूँ, लेकिन इस सलोनी को यहां से ले जाने कभी नहीं दूंगी। नहीं दैत्यानी, मैं भी सलोनी को लिए बिना यहां से वापस नहीं जा सकता, क्योंकि सलोनी मानव के साथ मिलकर पृथ्वी पर मेरे बुराई का राज कायम करने का सपना पूरा करने वाली। बुराई का राज? हाँ, बुराई का राज। हूबहू की हर सांस बुराई से चलती है, और मैं अपनी बुराई पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। अरे वाह वाह, तब तो है आप दोनों का मकसद एक ही है, हम भी कायम करना चाहते पृथ्वी लोक पर बुराई का राज। मैं पृथ्वी के हर इंसान को मिटाकर वह अपने बुराई से बनाए हुए मोरे सजाना चाहता। मानो जी ये लीजिए ना, कुल्फी खाइए। मानो जी ये बॉल है, ये बॉल है ना, मैंने स्पेशली मेरे पापा से आपके लिए किंगकॉन्ग से मंगवाया है। बॉस, किंगकॉन्ग नहीं, हांगकांग। हांगकांग एक देश का नाम है और किंगकॉन्ग एक गोरिल्ला का नाम है, बिल्कुल आपके जैसा। मानो जी तो ऐसी अब देखना इस बार अच्छा होगा। नीचे देख मोंटू, तुझसे नहीं होगा। हाँ रहने दे, कोई बात। किसी के ऊपर हंसना तो बहुत आसान है, अगर हिम्मत है तो ये करके बता। मैं बच्चों वाले खेल नहीं खेलता। हाँ, खेलेगा भी कैसे, मुझे पता है कि तुझे ये करना आता ही नहीं, इसलिए डर के मारे तूने कह दिया कि मुझे बच्चों जैसे खेल आते नहीं। मानव डगली डर गया, मानव डगली डर गया, मानव डगली डर गया। मेरे मानव जी नहीं डरते। मानव जी अगर आप डर गए तो हमारा क्या होगा। तो मानव जी दिखा दो, आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और दिखा दो इनको कि आप किसी से नहीं डरते। हाँ, आ जा मैदान में और हिम्मत है तो ये करके दिखा। बस अब थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि ये मानव है या कोई और। मानव जी, मानव जी, मानव जी, मानव जी, मानव जी। क्या हुआ,
तेरे मुंह पे ताला क्यों लग गया? हाँ, अगली बार हमें चैलेंज करने से पहले सोच लेना, समझी? इस जादुई चक्री से तो हमें कुछ पता नहीं चला और इसलिए ये हमारे ही मानव सलोनी है। लेकिन बालवीर, अगर ये हमारे ही मानव सलोनी है तो फिर ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? अभी तुम्हारे पिताजी को ऐसा एक चुटकुला सुनाऊंगा कि हंसते हंसते उनके होश उड़ जाएंगे। अरे हंस हंस के नहीं, तेरे घटिया जोक सुन के बुरा हाल हो गया है मेरा। तो सुनिए, एक बार एक बाप ने अपने बेटे को कहा, बेटा गार्डन में जाके पौधों को पानी दे दो। हाँ। तो बेटे ने क्या कहा पता है? बेटा कहता है कि बार बारिश आ रही है। तो बाप ने कहा, छाता ले और पौधे को पानी दे। आप समझेंगे नहीं, बारिश में छाता ले और पौधे को पानी दे। जब बोलो मुस्कुरा कर बोलो, बातों में मिश्री सी गोलो, जब बोलो तब सच ही बोलो, कभी ना बातें रच कर जोड़ो, जब बोलो तब झुक कर बोलो, रुक कर सोच समझ। बालू लल्लू, हम सब भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अकेला नहीं पढ़ रहा है, तो धीरे पढ़ना। अब तक तो ये दोनों सो जाते थे, पर पता नहीं अब क्यों नहीं सो रहे हैं। भाई मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। सो जाते, चलो ठीक है, तुम लोग सो जाओ, मैं नहीं सोऊंगी। पहले मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूंगी फिर सोऊंगी। हाँ मैं भी। ये बल्लू तो नकलची बंदर है, जैसा मेहर करती है बिल्कुल वैसा ही करता है। इसीलिए हमें पहले मेहर को सुलाना होगा फिर बल्लू को। तो रुक, मैं अभी कुछ करता हूँ। अरे ये मानव कहाँ चला गया? पता नहीं, शायद पानी पीने गया हो। ठीक, मैंने इसमें नींद लाने वाली जादुई दवा डाल दी है, इसको पीते ही मेहर और बल्लू तुरंत सो जाएंगे। अरे मेहर गुदगुदी मत कर, मेहर बोला ना एक बार गुदगुदी मत कर। अरे मेहर तू ये क्या कर रही है? अरे मेहर बोला ना एक बार गुदगुदी मत कर। मैं पानी पीने नहीं, तुम लोगों के लिए दूध लाने गया था। ये लो, जल्दी से पी लो। नहीं नहीं, मेरा मूड नहीं है दूध पीने का। एक काम कर, तू पी ले या सलोनी को दे दे। हाँ, एक्चुअली हमें तो सोना है ना, ये दूध तो जागने वालों के लिए है। मतलब? मेरा मतलब है अगर तुम ये दूध पी लोगे तो फिर तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। और फिर तुम देर रात तक बैठ के पढ़ाई कर पाओगे। पी लो। ये एनर्जी वाला दूध है, इसको पीने से एनर्जी आ जाएगी? हाँ, तो मैं जरूर पीऊंगा। Oh!
मानो ये कैसा दूध था? अरे इसे इसे एनर्जी नहीं बल्कि नींद आ रही है। भाई मैं तो चला सोने। बल्लू पढ़ाई तो कल है। सुबह सुबह टाइम नहीं मिलेगा। अब इसका क्या करें? ये तो दूध भी नहीं पी रही है। रुक, इसका भी एक इलाज है मेरे पास। तूने कैसे किया? ये बहुत। अब मेरे इन तरंगों से तुझे सोना ही पड़ेगा मेहर। मानव, हमारा कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा। कल हमने अपने मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ा लिया। हाँ बॉस सलोनी, बस अब उस काल चक्र घड़ी घर की घड़ी में और दो कांटे लगाने बाकी हैं, और फिर हम हमारे मंजिल तक पहुँच जाएंगे। हाँ, फिर हमारे महामहिम हुबहू का पृथ्वी पे बुराई का राज कायम रखने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या बार बार परेशान कर रही है। मेहर। हाँ मेहर, वो मेहर हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, और कल तो उसे हमारी असलियत भी पता चलने वाली थी, पर हम बच गए। और अगर वो मेहर ज्यादा देर तक यहाँ पे रही तो फिर वो हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। लो, एक और मेहमान आ गया। महेश, अब मुझ में हिम्मत नहीं है मेहमानों को झेलने की। आप जाइए, दरवाजा खोलिए और आप ही ऐसी बताइए। स्मिता, स्मिता, ये जो नई मुसीबत आई है ना, उसे हम सब मिलके झेलेंगे। मतलब ये जो नए मेहमान आने वाले हैं ना, हम सब मिलके उन्हें अटेंड करेंगे, ये बोल रहा हूँ। आई आई बहुत आई। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। आप भी एसी देखने आए हैं? हाँ जी, हम लोग एसी देखने आए। आप चाय नाश्ता भी करेंगे? हाँ जरूर करेंगे। नहीं। वो क्या है ना, इसने हमें थोड़ा लाइटली ले लिया। अब इसके साथ जो होने वाला है उसके बाद वो हमें लाइटली नहीं लेगा। मानव, तू जानना चाहता था ना कि हम तुझे कितना परेशान कर सकते हैं? तो देख, अपनी आंखों से देख कि हम तुझे कितना परेशान करते हैं। देखो, मेरा मजाक करने का कोई मूड नहीं है।
मुझे पता है तुम दोनों कोई गेम खेल रहे हो ना मेरे साथ। चिल्लाना है मेहर, पर अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। बाल्वी! गई परेशानी दूर, अब हम अपना काम आराम से पूरा करेंगे। कहाँ है मेहर? बालवीर, तुम्हें हमारे ताकत का अंदाजा नहीं है। हमसे लड़ना महंगा पड़ेगा तुम्हें। इन बच्चों को झूठे सपने मत दिखाओ। बहुत जल्द मेरा हूबहू ग्रह और तुम्हारी पृथ्वी एक हो जाएंगे और मैं बनूंगा उसका महामहिम, महामहिम हूबहू। और मेरी दुनिया में सिर्फ बुराई का राज होगा, सिर्फ और सिर्फ बुराई का राज। नहीं हूबहू, इन बच्चों को जो सपना मैं दिखा रहा हूं वो जरूर पूरा होगा, लेकिन जो सपना तुम देख रहे हो वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारा और तुम्हारी इस बुराई से बनाई हुई दुनिया का अंत निश्चित है। बालवीर, ये मेरी दुनिया है, हू बहू की दुनिया, यहां तुम मुझे छू भी नहीं सकते, पर मैं जब चाहे जो चाहे कर सकता हूं तेरे साथ। नहीं हू बहू, बालवीर तुम मेहर को ढूंढ रहे थे ना, अब तुम भी सीधा मेहर के पास पहुंच जाओगे। वहां ना तुम खुद बच पाओगे
और न ही मेहर को बचा पाओगे। बालवीर, ये मेरी दुनिया है, हू बहू की दुनिया, यहाँ तुम मुझे छू भी नहीं सकते, पर मैं जब चाहे जो चाहे कर सकता हूँ तेरे साथ। मानव, मानव, नहीं, बालवीर, प्लीज रुक जाओ। नहीं, देखिए बालपरी, सूरज की किरणों के सुनहरे कदम परिलोक की धरती पर पड़ चुके हैं। बालपरी, बालपरी क्या बात है, आप कुछ चिंतित लग रही हैं। जी रानी परी, दरअसल हम बालवीर को लेकर चिंतित हैं। हम बालवीर को कब से आवाज दे रहे हैं, लेकिन शायद हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है। हम जानते हैं कि वो किसी बच्चे की मदद में व्यस्त हो गया है, पर समझ में ये नहीं आ रहा कि वो अब तक लौटा क्यों नहीं। बालपरी, हम आपकी चिंता को समझते हैं, हम अभी स्वयं बालवीर को बुलाते हैं। ये घड़ी, बच्चों देखा तुम सबने, जैसे मैंने उस दीवार पे हाथ मारा, इन चारों घड़ियों में से तीन घड़ियां चलने लगी। हाँ। लेकिन इस घड़ी की सुई बिल्कुल भी नहीं हिली, ये वहीं पर रुकी हुई है। बालवीर, इसका मतलब है कि ये चौथी घड़ी इन तीनों घड़ियों से अलग है। हाँ, और लगता है ये सबसे मेन घड़ी है और इसी का टाइम करेक्ट है। हाँ ना? हाँ। मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ की चारों घड़ियां इस कैद खाने के ताले के रूप में काम कर रही है। हाँ बालवीर, इसका मतलब है कि अगर ये घड़ियां ताले हैं, तो फिर इन तालों को खोलने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर होगा, है ना? हाँ। तो अगर हम सारी घड़ियों का समय इस मुख्य घड़ी के हिसाब से मिला दे, तो हो सकता है हमें यहाँ से बाहर जाने का उपाय मिल जाए। हाँ, जैसे कई बैग्स में नंबर वाले लॉक होते, और अगर उनका नंबर मिला ले तो लॉक खुल जाता है, वैसे यहाँ का लॉक भी खुल जाएगा शायद। हाँ बच्चों, लगता है तो ऐसा ही है। चलो अब जल्द से जल्द सभी घड़ियों का समय एक जैसा कर देते हैं। चलो। बालवीर, तीन बजा दिए। देखो मानो, इस घड़ी में तीन बजे, यानी ये घड़ी पूरब दिशा में है। इसका मतलब पूरब के सामने वाली दिशा, यानी पश्चिम दिशा की घड़ी में 9 बजे होने चाहिए। हाँ बालवीर, मैं भी समझ गया, पूरब के राइट में उत्तर दिशा।
दिशा होती है और उत्तर दिशा ये है, यानी कि इस घड़ी में 12 बजने चाहिए और इसके सामने वाली दिशा दक्षिण दिशा होती है, तो फिर ये दक्षिण दिशा है और यहाँ पर 6 बजने चाहिए, है ना? हाँ माना, बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि चारों घड़ियों में 3, 6, 9 और 12 बजने चाहिए। तो चलो माना, इस घड़ी में 3, इस घड़ी में 6, इस घड़ी में 9 और इस घड़ी में 12 बजा देते हैं ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। चलो जल्दी करो। जल्दी बालवीर जल्दी। तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो कि बुराई जीत गई और अच्छाई हार गई। बालवीर तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हूबहू मानव मेहर और सलोनी को काल चक्र घड़ी घर की घड़ी में तीसरी सुई लगाने से नहीं रोक पाओगे। नहीं हूबहू, जब तक बालवीर का अस्तित्व है तुम अपने बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो ठीक है बालवीर, आज मैं तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त कर देता हूं। बालवीर बचाओ! तुम बिल्कुल सही जगह आए हो हूबहू। अब वो बालवीर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे वो गया तो है तुम्हारे मानव मेहर और सलोनी को रोकने, लेकिन उससे पहले मैं ही उसे रोक दूंगी। सिर्फ रोकना मत दैत्यानी, अंत कर देना उसका। फिर मैं उसकी जैसे कई और हूबहू बालवीर बना दूंगा जो सिर्फ हमारा और बुराई का कहना मानेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने हूबहू, बिल्कुल। अब बस बस कुछ ही समय बाद इस पृथ्वी लोक पर हमारा और बुराई का राज होगा, फिर वो बालवीर और उसकी अच्छाई, उसका नाम और निशान तक नहीं रहेगा, सबका अंत हो जाएगा। की है मैंने दैत्यों की भक्ति, मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति, हूं मैं बुराई की महाशक्ति दैत्यानी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.